आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा। आज पिटारा में पेश है आज के मेहमान। अथ स्वागतम, शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम, शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, इत प्रियं भारत भारतम, इत प्रियं भारत भारतम, स्वागतम, शुभ स्वागतम, स्वागतम। आज के मेहमान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं संगीतकार जोड़ी संजीव दर्शन से। बातचीत की है विजय अकेला ने। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय अकेला, और आज मैं जिन शख्सियत का इंटरव्यू करूंगा वो है दो शख्सियत जोड़ी बनाकर जिंदगी का रसा स्वादन कर रहे हैं। ये जोड़ी है संगीतकार संजीव दर्शन की, बेहद बेहद टैलेंटेड, फिल्म इंडस्ट्री की धूप छांव से वाकिफ, तकरीबन दो दशक का वक्त भी गुजार लिया है बतौर संगीतकार। तो संजीव साहब, प्रणाम करता हूं मैं आपको। नमस्ते। कैसे हैं आप? फैंटास्टिक, डूइंग ग्रेट। बहुत खुशी है कि आज ये मौका हमें आपने फिर दिया है, आपके साथ विविध भारती में बुलाया आपने हमें। थैंक यू सो मच। और दर्शन साहब, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए जिसका नाम है आज के मेहमान। थैंक यू सो मच विजय जी। मी एंड संजीव, हम लोग दोनों ही बहुत ही, आई थिंक मेरे पास शब्द नहीं होते, क्योंकि विविध भारती वो शो है जब वी आर नाउ क्वाइट, आई कैन से वी आर इन द सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर कैटेगरीज, तो हम लोग खुद विविध भारती के शोज सुनते हुए बड़े हुए हैं। सो इट्स ऑलवेज एन ऑनर, इट्स ऑलवेज अ प्राउड जब हम यहाँ आते हैं। तो कैसा मन है आपका? मेरा मन विविध भारती चाहे मेरा मन तो रेडी फॉर द शो, राइट? एब्सोल्युटली। ओके, तो चलिए हम पहली फिल्म जो आपकी थी मन, उसी से पहला ट्रैक प्ले करते हैं, जो आमिर खान की फिल्म थी, जो आपकी फिल्म थी, जो मनीषा कोइराला की फिल्म थी। सहती है फिर भी ये चुप रहती है,
खुशियां और हम सहती है, फिर भी ये चुप रहती है। अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है। मन की सुनो तुम, मन मीत कोई, मन का चुनो तुम। कुछ भी कहेगी दुनिया, दुनिया की छोड़ो, पलकों में सच के झिलमिल सपने पुनो तुम। होशियार हम सहती है, फिर भी ये चुप रहती है। अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है। अपनी कभी तो कभी अजनबी, दरिया कभी तो कभी तिश्नगी लगती है ये तो। खुशियां और हम सहती है, फिर भी ये चुप। संजीव साहब, मन को आए 20 साल हो गए जी, वक्त का कुछ भी पता नहीं लगता है जैसे जी। किस फिक्र में मुब्तला हो जाते हैं आप जब मन का गीत बजता है कहीं सुनते हैं तो? बिल्कुल, बहुत ही मतलब उन दिनों की याद आ जाती है जी भैया, जब हमने अपना करियर स्टार्ट किया। और बहुत खुशी होती है जब भी हमारे गीत रेडियो पे बजते हैं या किसी के रिंगटोन में सुनाई देते हैं जी जी। तो वो दिन याद आते हैं जब शुरुआत हुई थी हमारे करियर की, और बहुत छोटे थे, बहुत यंग थे हम लोग और बहुत एंथुजियास्टिक थे जी हाँ। काम करने की बड़ी हमें ये थी कि हम बहुत सारा काम करेंगे। डैडी हमारे श्रवण जी को हमने देखा, उनका फेम देखा, उनका नेम देखा, उनका काम देखा जी। तो बस वही एक सपना था कि किसी तरह से ऐसा नाम कभी हमारा भी कभी हो जाए जी, यू नो। तो एक जबरदस्त शुरुआत की इच्छा थी और वो हमें इंद्र कुमार जी एंड अशोक ठकेरिया जी ने दी फिल्म मन के द्वारा। आज भी मतलब हमें लगता है कि आज भी संजीव दर्शन की पहचान जो है वो फिल्म मन से ही है जी। जब भी बात होती है आप लोगों की तो मन की बात सबसे पहले होती है जी। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे दर्शन साहब? मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि कई लोग होते हैं जो पहले स्ट्रगल करते हैं और फिर उनको एक बहुत अच्छा मौका मिलता है जिसमें वो बहुत अच्छे अपना काम, अपना हुनर दिखा सकते हैं। संजीव दर्शन के साथ थोड़ा सा अलग हुआ था। हम जब हमारी पहली फिल्म आई थी मन, तब मैं 17 साल का था, संजीव 18 साल के थे। तो मैं मानता हूँ कि उस दिन से हमारा स्ट्रगल शुरू हुआ है हिट होने के बाद। और आज भी मैं इंतजार कर रहा हूँ कि एक और मन जैसा सब्जेक्ट, एक और मन जैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स, एक और मन जैसे काम करने की धगश वाले नए प्रोडक्शन हाउस के साथ मैं एक फिर से मन बनाऊं। लेकिन आपने दो उन दिनों कई फिल्में की थी, जो गीत हम बजाने वाले हैं वो आपकी मुसीकी से सजी एक और फिल्म अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय वाली थी, हमारा दिल आपके पास है। क्या आप तो एहसास है बात अब ये खास है, आपका दिल हमारे पास है, हमारा दिल आपके पास है। आपका दिल हमारे पास है, हमारा दिल आपके पास है, आपके पास है। क्या आपको
एहसास है। ये बताइए कि हमारा दिल आपके पास है फिल्म में आपको साथ मिला था शायद जावेद अख्तर साहब का। आप हमें बताएंगे कि जावेद अख्तर साहब ने जो रुतबा प्राप्त किया है क्या वजह है उसकी, आपको क्या लगा उनके साथ काम करके कितने अलग रहे वो? जावेद सर के साथ जब हमने पहली बार काम किया, हम लोग एज मैंने आपको बताया कि हम लोग बहुत छोटे थे एंड हमें, मैं बताऊंगा कि उन्होंने सिखाया हमें जी, उनको देख देख के हम लोग सीखे हैं कि एक गाने में जब एक करेक्ट मीटर होता है तो उसमें कितने अलग अलग शब्द और कितनी अलग अलग बातें, कितने अलग अलग थॉट्स एक सेम ट्यून में आ सकते हैं।
सर मुझे आज भी याद है कि मैंने एक लाइन हम लोगों ने कंपोज की थी एंड जावेद साहब ने उस एक लाइन पे हमें 7 डिफरेंट लाइंस करीब 1 मिनट में लिख के उन्होंने हमें दी, जो कि सेम सिचुएशन के लिए थी। तो वहां से हमको ये सीखने मिला कि म्यूजिक हैज नो बाउंड्रीज, म्यूजिक हैज नो रिस्ट्रिक्शंस, म्यूजिक हैज नो लिमिटेशंस। मौसिकी और जिसे हम कहेंगे म्यूजिक लिखना, जिस पे हम वर्ड्स फिट करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप तो इसके प्रोफेशनल रह चुके हैं और आप वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द कंट्री हैं। मुझे आपकी बात से एक बात का ख्याल आ रहा है कि जिस तरह हॉलीवुड में लिरिक राइटर को लिरिक राइटर ना कह के लिरिक कंपोजर कहते हैं, शायद आप उस तरह की बात कर रहे हैं। Exactly, आई थिंक दैट्स द राइट वर्ड, क्योंकि लिरिक राइटिंग और लिरिक कंपोजिंग, लिरिक राइटिंग किसे मैं मानता हूँ, लिरिक राइटिंग कहते हैं जब एक बंदा कुछ लिख लेता है, लेकिन जब वही राइटर एक धुन पे लिखता है जी, तो उन्हें कंपोज करना पड़ता है, उस मीटर को कंपोज करना पड़ता है, शब्दों के वजन को कंपोज करना पड़ता है, साउंड के फोनेटिक्स को कंपोज करना पड़ता है। तो आई थिंक लिरिक राइटर नहीं होता है, लिरिक कंपोजर ही होता है। क्या बात है दर्शन साहब। अब हम एक और गीत आपका बहुत मीठा है वो सुनते हैं। आप भूल गए हैं अपनी अच्छी अच्छी फिल्मों के अच्छे अच्छे म्यूजिक को। देखिए दीवाने आपको याद है? क्या बात है, बिल्कुल। तो हम उसका टाइटल ट्रैक प्ले करते हैं, अजय और उर्मिला की फिल्म थी। यस सर। कितनी मोहब्बत किसको कौन यहाँ करता है ये कोई भी न जाने। कौन सी मंजिल है, ये कौन सा मकाम है, आंखों में कोई चेहरा, होठों पे कोई नाम है। दुनिया में क्या है, धोखा ही धोखा, मुझको तो बस है तुझ पे भरोसा। उसने देखा ही नहीं अपनी हथेली को कभी, उसमें धुंधली सी कहीं मेरी भी लकीर तो है। आया है मौसम दिल की लगी का, आलम न पूछो दीवानगी का, ना होश
ये कोई भी न जाने गहरी मिठास तो है ही आपके संगीत में भाई, क्यों ना हो, विरासत में मिली है आपको ये मिठास। मैं आपकी फैमिली का तारुफ अपने सुनने वालों से करवाऊं, इससे तो अच्छा यही होगा संजीव साहब और दर्शन साहब के आप दोनों भाई स्वयं बताएं कि आपकी फैमिली में कौन कौन लेजेंड्स रहे हैं, और अपने पिताजी के बारे में बताएं, अपने दादाजी के बारे में बताएं। जी विजय भैया, वी आर रियली फॉर्चुनेट कि हमें राठौड़ फैमिली में जन्म हमारा दोनों का हुआ है, जहाँ पे म्यूजिक लेजेंड्स हमारे फैमिली में हैं और थे, जिनमें से मैं नाम लेना चाहूंगा हमारे ग्रैंडफादर पंडित चतुर्भुज राठौड़ जी का। जी जी। जिनके पता नहीं कितने फॉलोअर्स हैं, कितने शिष्य हैं जी, और जिन्होंने ऐसा मुकाम बनाया है हर एक फील्ड में, जिस भी फील्ड में वो हैं, और वी आर ब्लेस्ड कि यू नो हम उनके जो है फैमिली में पैदा हुए। माय फादर, मेरे और दर्शन के फादर श्रवण जी, जी जिन्होंने नदीम श्रवण के नाम से बिल्कुल बिल्कुल जग में, मैं कहूंगा पूरे विश्व में जी, अपना नाम बनाया, मुकाम बनाया जी, संगीत को एक नया दिशा दी जी, ऐसा संगीत लाया दुनिया में जो हर इंसान के दिल को छू जाता है। और आपके जो दो चाचा जी हैं, बिल्कुल रूप कुमार राठौड़ एंड विनोद राठौड़ जी, वो खुद बहुत बड़े जबरदस्त सिंगर्स रहे हैं, हैं राधा दोनों ही, एंड दे आर डूइंग ग्रेट। उन्होंने भी अपना मुकाम ऐसा बनाया है, ऐसे ऐसे गीत गाए हैं कि जब जब वो गीत सुने जाते हैं, जब जब वो गीत बजते हैं, ऑडियंस रूप कुमार राठौड़ और विनोद राठौड़ को मतलब याद करना ही पड़ता है, उनकी आवाजों को याद करना ही जी। और संजीव साहब, हम आपके सुपुत्र से भी मिले हैं, माधवेश जी से जी। वैसे तो वो 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, लेकिन काफी सुरीले हैं, तो उनको ला रहे हैं क्या आप इस मौसीकी के फील्ड में? बिल्कुल, अगर वो इसी तरह से इंटरेस्ट दिखाएंगे जी संगीत की तरफ, जिस तरह से हम लोग हमने भी शुरुआत में एंथुजियास्टिक जैसे हम भी थे संगीत, तो डेफिनेटली फ्यूचर हमें लगता है कि माधवेश राठौड़ भी कहीं ना कहीं अपना मुकाम बनाएंगे। और अब जो गीत हम प्ले करेंगे जी, वो आपका इस दौर का बहुत गजब का गीत है, छिल गए नैना। ओह थैंक यू। और उसके बाद बात करेंगे हम आपसे दर्शन साहब के, आप कब परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं, या आपका भी इरादा मेरी तरह अकेला नाम रखने का है क्या? बहुत जल्द विजय भैया, बहुत जल्द आपका आशीर्वाद लेने के लिए हम स्वयं आपको इन्वाइट करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जाने कब जख्मों से मिल गए नैना, छिल गए नैना, छिल गए नैना, छिल गए सासों का सीने में है बिखरा पड़ा सूखा
है काली काली रैना छिल गए नैना 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 कांच की नींद आई पत्थर के खाब लाई कांच की नींद आई पत्थर के खाब लाई जाने रब जाने कब जख्मों से मिल गए नैना छिल 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 गए नैना क्या बात है संजीव साहब दर्शन साहब मुबारक मुबारक आप दोनों न सिर्फ अच्छे कंपोजर हैं खुशगुलू भी हैं क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इसी गीत को आप जरा जोश में गुनगुनाएं जरूर 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 जी कांच की नींद आई पत्थर के ख्वाब लाई कांच की नींद आई पत्थर के ख्वाब लाई जाने रब जाने कब जख्मों से मिल गए नैना छिल गए नैना छिल गए नैना छिल गए नैना छिल गए नैना वाह 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 विजय भैया छिल गए नैना की मैं आपको एक एक छोटा सा एक वाक्य सुनाऊंगा जी जी जब ये रिकॉर्ड हो रहा था ये गाना जी तो जो फैंटम फिल्म्स वाले जब उन्होंने हमें अप्रोच किया जी इट स्टार्टेड विद कि एक गाना चाहिए स्टेज कॉन्सर्ट टाइप का गाना चाहिए जी तो हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि स्टेज कॉन्सर्ट टाइप का गाना है तो हम जनरली हम सोचते हैं कि बड़ा ही फ्लैम्बॉयंट और बड़ा ही हैप्पी गो लकी टाइप का गाना होगा तब तक हमें कुछ पता नहीं था कि फिल्म क्या है फिल्म के सब्जेक्ट क्या है फिर हमें सिर्फ फिल्म का ट्रेलर दिखाया गया NH10 और बहुत ही हार्ड हिटिंग बहुत ही डार्क फिल्म थी जी जी इस फिल्म में हमने जब ये ट्रेलर और हमने कुछ सीन्स देखे इस फिल्म के फिर हमसे कहा गया कि अब इसके लिए एक प्रमोशनल सॉन्ग सोचना है तो हम लोगों ने काफी देर सोचा फिर कुमार जी जो हमारे बहुत अच्छे राइटर हमारे फ्रेंड कुमार पाजी आए हमारे घर और उन्होंने करीब 6 या 8 महीने पहले मुझे ये लाइनें सुनाई थी जी कि कांच की नींद आई पत्थर के ख्वाब लाई जाने रब जाने कब जख्मों से मिल गए नैना छिल गए नैना छिल गए नैना I had liked it very much और मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर दिया था कुमार पाजी खुद भूल गए थे कि उन्होंने ये लाइनें लिखी है जी हाँ मैंने उनको ये लाइनें सिटिंग रूम में याद दिलाई तो उन्होंने कहा यार दिस इज वर्किंग क्यों ना इस पे कुछ गाना बनाया जाए एंड ट्रस्ट मी सर जिसे हम कहेंगे कि ये गाना एक्चुअली सिर्फ 3 मिनट में कंपोज किया गया है बहुत खूब बहुत अच्छा तीन गाना मिनट है। में संजीव ने कुछ गुनगुनाया मैंने कुछ गुनगुनाया कुमार पाजी ने कुछ गुनगुनाया और इस तरह से बन के छिल गए नैना गाना बना तो बहुत ही अच्छा लगा था मुझे किसी ने इंटरव्यू में पूछा था कि सर ये गाना कब बनाया आपने मैंने कहा कि सर एक्चुअली ये गाने को 3 मिनट नहीं ये गाने को 20 साल लगे बनने में ये 20 साल का जो एक्सपीरियंस संजीव दर्शन को आया ये 20 साल से जो म्यूजिक इंडस्ट्री ने हमको सिखाया एज अ म्यूजिक डायरेक्टर कि एक सर्टन फिल्म है उस फिल्म की सिचुएशन है उस फिल्म की एक कहानी है उस फिल्म में एक किरदार है इन सबको किस तरह निभाना एक गाने में वाह 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 वो ट्रांसलेट होता है छिल गए नैना में और उसके अलावा भी एक पॉपुलर सॉन्ग बनाना है एंड कमर्शियल कमर्शियल प्रमोशनल सॉन्ग बनाना राइट ग्रैंड मस्ती का जो गीत हम प्ले करने जा रहे हैं क्या अच्छा संयोग है कि आप दोनों भाइयों ने ही फिल्म में भी गाया है और हमारे स्टूडियो में है आप तो क्यों नहीं हम इसका फायदा उठा लें बिल्कुल प्यार का सिग्नल दे दे बेबे रात के बज गए 12 इंजन दिल का धधक रहा है हाय हो गया पारा चुम्मा तेरे गालों का फेवरेट है दिल वालों का सो लेट्स डू इट बेबे डू ग्रैंड मस्ती ग्रैंड मस्ती पा 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 पाओ ग्रैंड मस्ती पा 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 पाओ ग्रैंड मस्ती पा 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 पाओ grand masti pa 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 yaar ka signal bhej de baby raat ke baj gaye 12
ये गीत था ग्रैंड मस्ती से, आपने ग्रेट ग्रैंड मस्ती भी की है जी। और ये गीत जो हमने प्ले किया इसमें आप दोनों ही की आवाज है जी, बिल्कुल कमाल है भाई। और डायरेक्टर इंद्र कुमार साहब के बारे में हम और जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि न सिर्फ ग्रैंड मस्ती, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, बल्कि मन में इन्होंने ही आपको ब्रेक दिया था, उसके बाद सुपर नानी, फिर रिश्ते। कैसा रिश्ता है उनसे आपका दर्शन साहब, आप बताइए। सर, इंद्र कुमार जी के बारे में तो मैं बस यही कहूंगा फर्स्ट के हमारे गॉडफादर है जी। उन्होंने ही हमें पहला चांस दिया मन फिल्म में जी, जी। और हमने उनसे इतना सीखा है और उनके साथ बैठ के इतना काम किया है कि 99% काफी लोग इंडस्ट्री के ये बोलते हैं कि इंद्र कुमार जी सब पूरी इंडस्ट्री में सबके साथ सिटिंग करते हैं, लेकिन फाइनली जब गाना क्रैक करने का टाइम आता है तो संजीव दर्शन ही उस गाने को क्रैक तो कर पाते हैं। वही जानना चाह रहे हैं कि रीजन क्या है। आई थिंक द रीजन इज द अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हम लोगों ने इंदु जी के साथ इतना काम किया, इंदु जी ने हमारे साथ इतना काम किया, आई थिंक वी हैव डन मैक्सिमम फिल्म्स विद इंदु जी, एंड इंदु जी के इतने बड़े करियर में जो एक म्यूजिक डायरेक्टर में सबसे ज्यादा काम किया है वो है संजीव दर्शन जी, बिल्कुल। सो आई थिंक इट्स अ लवली ब्लेसिंग, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट, एंड आई थिंक ही इज अ म्यूजिक डायरेक्टर आल्सो इन हिमसेल्फ, ही सिंग्स, ही राइट्स, ही कंपोजेस, ही नोज एवरीथिंग, सो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग टू बी वर्किंग विद हिम ऑलवेज। आपका एक गाना हम इस वक्त मन से बजाते हैं, नशा ये प्यार का नशा है। नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यार मानो, नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो। नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यार मानो, नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो। कि जब से मैंने तुमको दिल ये दे दिया, मीठा मीठा सा दर्द ले लिया, सुनो ओ प्रिया, मैंने तुमको दिल दिया। नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो। नजर से यूं मिली नजर, दीवाना मैं हो गया, असर ये क्या हुआ असर, कहां ये मैं खो गया। बहके बहके कदम, बहका बहका है मन, छा गया मुझ पे दीवानापन, सुनो ओ प्रिया, मैंने तुमको दिल दिया। नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यार मानो, नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो। झुकी निगाह में बला की शोखियां छुपी, खुली खुली लटों में भी खटा की मस्तियां रुकी। ये हया ये अदा, ये हंसी ये नयन, दे गए मीठी मीठी चुभन, सुनो ओ प्रिया, मैंने तुमको दिल दिया। नशा
नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो। कि जब से मैंने तुमको दिल ये दे दिया, मीठा मीठा सा दर्द ले लिया। सुनो ओ प्रिया, मैंने तुमको दिल दिया। नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो। नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो। वाह, कितना अच्छा गाना है। आज भी सुनो 20 साल के बाद मन को बहुत सुकून देता है। संजीव साहब, दर्शन साहब, आप दोनों खुश हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में आके? डेफिनेटली ब्लेस्ड, मैं कहूंगा कि हम लोग ब्लेस्ड हैं कि, या सिर्फ आप लोग अपनी विरासत संभाल रहे हैं? नहीं, देखिए विरासत तो संभालना बनता ही है, क्योंकि इतना अच्छा काम डैडी ने किया है जी, इतना बड़ा नाम उन्होंने बनाया है। अगर हम विरासत की बात करें तो वी आर ब्लेस्ड कि हमें ऐसा मौका भी मिला कि हम उनके उन्हीं के पथ पे हम चल रहे हैं। जी जी जी। और बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं, इट्स लाइक अ समंदर जैसा है। अभी आपकी मंजिल आपको मिली है या मिलने वाली है? इसका आंसर देना बहुत मुश्किल है विजय भैया, बिकॉज देखिए मंजिल तो कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कोई नहीं जानता। जी जी। बस इंजॉय कर रहे हैं, जिस पथ पे हैं उसका लुफ्त उठाते हैं। जी जी। एंजॉय करते हैं हर फिल्म को, हर सिचुएशन को। और जो परेशानियां आती हैं उसको किस तरह हैंडल करते हैं? डेफिनेटली परेशानियां भी आती हैं, डेफिनेटली ट्रेंड बहुत चेंज होता है, संगीत चेंज हो रहा है जी। हर दौर में चेंज हुआ है, हमें भी डिफिकल्ट होता है कि टू कीप अप विद इट जी। बट यही तो लड़ाई है, और इस लड़ाई को या तो आप एंजॉय करिए या आप छोड़ दीजिए। जी जी जी। आपके म्यूजिक में आपके पिता श्री नदीम श्रवण के, जो श्रवण राठौड़ साहब हैं, उनका कितना योगदान होता है, या आप लोग कंप्लीटली अपना काम अलग करते हैं? यस, हम लोग काफी काम अपना अलग करते हैं, मगर जब हम उसे कंप्लीट करते हैं फिर हम डैडी को सुनाते हैं जी, और उनकी एक राय लेते हैं कि क्या लग रहा है डैडी, कि क्या इसमें कुछ मिसिंग है या इसमें कुछ और बेटर करने के स्कोप है। पर हमें डैडी जो है वो हमारे अलग ही मूड के हैं, वो कहते हैं बेटा अपनी मेहनत पे ही जो है ना आपको रिजल्ट आना चाहिए आपका। जी जी। मैं तो बता दूंगा ये वो, उसमें आप अगर कर दोगे चेंज तो कल क्रेडिट जो है आप ही के मन में रहेगा कि ये क्रेडिट डैडी को जाता है कि डैडी ने ये ठीक कर दिया। वाह। बेटर है कि अगर कहीं फेलियर होगा जी तो आप उसको नेक्स्ट टाइम के लिए सुधारोगे। क्या बात है। तो ये हमेशा वो हमें ये सीख देते हैं। और दर्शन साहब आप बताएं, ये जो जमाना है वो म्यूजिक के लिए कैसा जमाना है? सर म्यूजिक के लिए ये जमाना थोड़ा सा, मुझे लगता है म्यूजिक इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू अ लिटिल स्लैग, बिकॉज अगर आप देखें तो 2019 चल रहा है एंड पूरे साल में ज्यादा गाने रीमेक्स ही हिट हो रहे हैं। जी जी। न्यू कंपोजिशंस को डाइजेस्ट करना, न्यू कंपोजिशन को अक्वायर करना, प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड म्यूजिक लेबल्स, रिकॉर्ड लेबल्स थोड़ा सा डर रहे हैं। जी जी। सो आई थिंक ये कुछ दिनों का खेल होता है, ये कुछ टाइम का, हर बार एक ऐसा ट्रेंड आता है जब कोई अलग सा म्यूजिक चलता है, इवेंचुअली फिर हम वापस बॉलीवुड म्यूजिक पे ही आने वाले हैं। Tonight.
संजीव साहब, दर्शन साहब, इस मीठे गीत के बाद देखिए, ये ईयर 2019 है और इस नए इंटरव्यू में हम नई नई बातें ही करेंगे, और आप लोग कर भी रहे हैं, जिससे कि इंटरव्यू ज्यादा सामयिक हो। जैसा कि दर्शन साहब आप कह रहे थे, उसी विषय को आगे पहुंचाते हैं कि ये क्या ट्रेंड है भाई, हर गीत में वो पुराना सुपरहिट गीत की शुरुआत होती है। अभी एक वॉर फिल्म आई है, इसमें जय जय शिव शंकर भी है और घुंघरू टूट गए भी है, तो फिर हम क्या क्रेडिट दें इस जमाने के शायर और म्यूजिक डायरेक्टर्स को? सर, ये एक्चुअली प्रॉब्लम शायर और म्यूजिक डायरेक्टर्स का नहीं है सर, ये प्रॉब्लम है उनसे ऊपर वाला जो ब्रैकेट है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो म्यूजिक कंपनीज हैं, ये लोगों को क्या हो, पता नहीं ये लोग क्यों डरने लगे हैं नए गाने लेने से। मैं तो यही कहूंगा कि अगर मैं एक गाना बनाता हूँ कि धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आ जाओ, तो ये तो गलत गाना हो जाएगा जी, ये तो कॉपी गाना हो जाएगा। लेकिन ये पसंद आ जाएगा क्योंकि इसमें धीरे धीरे से शब्द आ गया, और ये गाना भी तो हुआ। हाँ, धीरे धीरे नहीं, वो तो पूरा ही गाना कर दिया पूरा गाना। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है कि अगर मैं पुराने गानों के चार लाइनें डाल देता हूं तो वो गाना ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स। बिल्कुल, ये सोचकर कि ये गाना तो 100% हिट हो जाएगा। अभी देखिए ना, कैफी आजमी साहब और मदन मोहन साहब का वो जो सुपर हिट गाना हीर रांझा का है, मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है, उसमें एक लफ्ज भी चेंज नहीं है, उसमें कुछ बीट्स अलग हैं और वो बिल्कुल बिल्कुल जिसे हम रीमेक कह रहे हैं, तो सो इट बिकम्स वेरी इजी। आई यूज्ड टू ऑलवेज से दिस, मैं पहले भी यही कहता था, मुझे कई बार मेरे दोस्त मिलते थे और मुझे बोलते थे कि यार दर्शन, ये जो डीजे है ना यार, ये डीजे क्या म्यूजिक सेंस है इस डीजे का यार, ये डीजे क्या म्यूजिक बजाता है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे भाई, वो डीजे म्यूजिक नहीं बजा रहा है, वो तो सिर्फ हिट गाने बजा रहा है। जी 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 जी। तो अब ऐसा हो गया है कि अगर हिट गाने हैं आपके पास, पुराने कोई भी हिट गाना ले लो, उस पे नई दो बीट्स डाल दो जी, और आप म्यूजिक डायरेक्टर बन जाते हो जी। और संजीव साहब, आप भी इस विषय पे कुछ कहें, उसके पहले मैं ये बताऊं आपको कि इन दिनों तो मेरा जो गाना है कहो ना प्यार है फिल्म का, एक पल का जीना, उसका भी आ गया नया गाना, रिमिक्स नहीं, नया गाना, उसमें दो लाइन कुछ और है, और फिर और रॉयल्टी का भी मामला है जनाब। हाँ जी बिल्कुल, तो वो शेयर हो जाएगी, बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं सर। रॉयल्टी शेयर होना तो एक छोटी सी बात है, मैं ये कहूंगा कि जो क्रेडिट, जो मेहनत आपने की थी, जो लाइनें आपने लिखकर उस गाने को इतना इतना ऊंचा दर्जा दिलाया था, और सेम राजेश उसी लाइन पे दो लाइन लिखकर एक गाना जिंदगी भर के लिए लिट हो गया, और ट्यून भी सेम, ट्यून सब कुछ सेम, म्यूजिक डायरेक्टर्स का भी, लेकिन नाम आ गया एक नए बंदे का जिसने दो लाइनें उसमें ऐड की, और क्रेडिट शेयर हो गया सर। और होगा क्या सर, अब जब भी लाइफ में कोई उस गाने को टाइप करेगा यूट्यूब पर, पहले वो गाना आएगा जी, और आपका गाना नीचे कहीं पर होगा, बिकॉज अब वो ट्रेंडिंग है जी जी। सो इट इज नॉट फेयर, आई फील देयर शुड बी सम लॉ काइंड ऑफ अ थिंग, सम काइंड ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन टू दिस जी जी जी, और द प्रोड्यूसर शुड गेट, थोड़ा उनको खुल जाना चाहिए, नए गाने एक्सेप्ट करने चाहिए। जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री ने रॉयल्टी के मुद्दे पे जावेद साहब को अपना लेफ्टिनेंट बनाया, और जावेद साहब ने 2012 में संसद भवन में नया लॉ भी लाए, तो क्या इसके लिए भी हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए? आई थिंक येस वी शुड, और मुझे शायद ये लग रहा है कि ऑलरेडी इस विषय पर बात चल ही रही है अमंग्स द म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड द लिरिक राइटर कम्युनिटी, कि इस विषय पर हमने जावेद साहब के साथ ही डिस्कशंस हुए हैं, और अब शायद इस पर कोई ना कोई एक्शन बहुत जल्द लिया जाएगा। तो ऑडियंस आप लोग तैयार रहें, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको बहुत सारे नए नए खूबसूरत गाने, खूबसूरत शब्द, खूबसूरत लिरिक्स, खूबसूरत रेंडरिंग आपको अभी बहुत जल्द सुनने मिलेंगी। संजीव साहब, दर्शन साहब, अब हमारा ये साक्षात्कार इंटरव्यू समाप्ति की कगार पे है। दो बातें बताइएगा, पहली तो ये बात कि आपने लेजेंडरी शायर, फिल्म शायर आनंद बख्शी साहब के साथ काम किया है, उनका भी एक्सपीरियंस बताइए, और जो आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में। जी अगेन मैं यही कहूंगा कि वी आर रियली रियली ब्लेस्ड, हम दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि शुरुआत से हम लोगों को इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म मिले। बट सबसे खूबसूरत बात हमारे करियर की ये भी है कि हमें आनंद बख्शी जी, द ग्रेट आनंद बख्शी जी, द लेजेंड आनंद बख्शी जी के साथ मौका मिला काम करने का कुछ फिल्मों में, एंड वी आर रियली ब्लेस्ड कि काफ़ी कुछ हमने उनसे सीखा। जी जी जी। कुछ बातें जो मुझे याद आती हैं जो उन्होंने हमसे कही थी, स्पेशली कि एक ज़माने में जब हम उनके साथ जब जुड़ते थे काम करने, तो मुझे एक ही बात कहते थे कि संजीव तुम बहुत अच्छा गाते भी हो, कंपोज भी अच्छा कर लेते हो, और मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम दोनों को देख के, बहुत ही एंथुजियास्टिक हो। एंड एक चीज़ उन्होंने सिखाई थी जी, कि
गाने बेटा बना के रखो, बैंक्स बना के रखो कानों के, पर जब भी कोई नई फिल्म आए उस पे फ्रेश काम करो। अपने स्टॉक के गाने तभी यूज करना जब आपका कोई फ्रेश गाना नहीं बन पाता या कोई मुश्किलात आती है कि किसी सिचुएशन पे आपसे नहीं हो पा रहा है कुछ, तब वो आप अपने स्टॉक्स की चूज कुछ जो बेस्ट चीज है उसको। ऐसी अच्छी बात तो एक जीनियस ही कर सकता है। जीनियस, वो बिल्कुल जीनियस थे अपने आप में और उन्होंने हमें ये सब छोटी छोटी बातें सिखाई। और नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए अभी एक रिसेंटली जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे रीमिक्सेस एंड यू नो बहुत सारे ऐसे गाने आ रहे हैं जो जय जय शिवशंकर आ गया है। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट विजय भैया कि हम इंडस्ट्री में ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस एंड ओरिजिनल सॉन्ग्स जो दिल को छू जाए, जो शुरू से हमारी कोशिश है रही है, ऐसे जबरदस्त गाने हम लाने की कोशिश करें, जिसमें से एक अब बहुत खूबसूरत गाना रिलीज हुआ है जी, दिल मांग रहा है मोहलत, फिल्म घोस्ट डायरेक्टेड बाय विक्रम भट्ट। ये गाने ने अभी ऑलमोस्ट इट्स अ ट्रेंडिंग नंबर वन सॉन्ग ऑन सावन, यूट्यूब पे भी ऑलमोस्ट 13 million व्यूज पे है गाना, और जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं जो हमें जानते हैं उनका बहुत बहुत प्यार हमें मिला इस गाने को लेकर। जी जी, कोई एक और अपनी पसंद का गीत गाइए ना जो आपकी आने वाले फिल्मों से है। जी बिल्कुल, लव टू सिंग घोस्ट का जो हमारा गीत इस वक्त बहुत पॉपुलर हो रहा है उसी की कुछ लाइनें हम आपको सुनाते हैं। जी, दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की, दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की, तेरे संग चलूं हरदम बन कर के परछाई, एक बार इजाजत दे मुझे तुझ में ढलने। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की, तेरे संग चलूं हरदम बन करके परछाई, खुबार इजाजत दे मुझे तुझ में ढलने की। देखा है जब से तुमको मैंने ये जाना है, मेरे ख्वाहिश के शहर में बस तेरा ठिकाना है। मैं भूल गया खुद को भी बस याद रहा अब तू, आ तेरी हथेली पे इस दिल को मैं रख दूं। दिल बोल रहा है हसरत हर हद से गुजरने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की, तेरे संग चलूं हरदम बन करके परछाई, एक बार इजाजत दे मुझे तुझ में ढलने की। तो
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सुन रहे थे संगीतकार जोड़ी संजीव दर्शन से की गई विजय अकेला की बातचीत, तकनीकी सहयोग भावना सिंदल और दिवाकर द्विवेदी, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा।